नमस्ते, आपका स्वागत है सिंपल टिप्स बाई सीमा में। आज हम बनाएंगे बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई गाजर का हलवा। इस लाजवाब रेसिपी के लिए हमें चाहिए ये चीज़ें। हमने ली है गाजर, उसे हमने धो के कद्दूकस कर लिया है और एक बड़े बर्तन में हमने बड़ा चम्मच एक घी डाला है और सारी गाजर को हम इसमें डाल देंगे और ये थोड़ा नरम होने तक हमें इसे पकाना है। इसके इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें चीनी चाहिए और खोया हमने लिया है, खोया, इलायची पाउडर और काजू के टुकड़े कर लिए हैं। इन सब चीज़ों को ये जब तक ये थोड़ा सा नरम हो जाए उसके बाद ही हमें इसमें चीनी डालना है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी जब तक कि पूरी तरीके से घुल ना जाए तब तक ये हमें इसे चलाते रहना है और धीमी आंच में ही, आंच हमें मीडियम टू स्लो रखना है। इस बार मैं पहली बार हलवा बना रही हूँ, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, इसकी क्वांटिटी बहुत हो गया ज़्यादा है। और ये जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए तब तक ये हमें इसे चलाते रहना है और इसे ढक के नहीं रखना है, खोल के ही इसे रखना है। और ये पूरी तरीके से जब तक कि चीनी इसमें ऑब्जर्व ना हो जाए, ये बिल्कुल बाज़ार के जैसा हलवा बनता है। और दूध डालने से क्या ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहती है फिर थोड़ा सा, और ये बिल्कुल अच्छा दानेदार हलवा बन के तैयार होगा इस तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगी खोया और ये पूरी तरीके से इसे खोया भी मिक्स कर लेना है और थोड़े सी इलायची पाउडर और काजू इसमें डाल के अच्छी तरीके से चला लेना है। अब हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाएं और मिठास भरी इस रेसिपी का आनंद लीजिए। और हाँ, इस रेसिपी को खाने से पहले हम अपनी मासूमियत से शेयर करें और नीचे कमेंट करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू। सर्दियों में इसे गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और होता है और जब भी खाएं थोड़ा सा दूध डाल के इसे गर्म कर लें, उसके बाद ही इसे खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू।